नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 16 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये मैं आपको तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ और ये मैंने 16 फंदे में बनाया है। ये देखिए, मैंने ये येलो कलर से 16 फंदे डाले हैं और ये देखिए डिजाइन हम पहली ही सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये फंदा हम, ये देखिए इस तरह से, ये पहला फंदे को आप इसी तरह से घुमाइए, इस तरह से घुमा के लेंगे और एक फंदा और उतार लेंगे। तो हमने दो फंदे ये उतार लिए और बाकी फंदे हम बीन लेंगे। ये उल्टा उल्टा इस तरह से हम बीन लेंगे। देखिए, हम पहली उल्टे उल्टे हमने सारे फंदे इस तरह से बनाएंगे। यहां हमने दो फंदे उतारे हैं और बाकी फंदे हमने बीन लिए हैं और ये दो फंदे हम इस तरफ भी उतार लेंगे और ये धागा यहीं से घुमा के लेंगे। और इस डिजाइन में जब भी फंदे आप डालें तो चार के सेट में फंदे डालें, इसलिए मैंने इसमें 16 फंदे डाले हैं। और सीधी सिलाई पूरी जैसी है वैसे ही बनाना है हमको। देखिए, दो फंदे हमने इधर छोड़ दिए और दो फंदे इधर छोड़ दिए, बाकी फंदे जो बचे हैं उनको हम बीन लेंगे। ये देखिए, पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और ये देखिए दो फंदे हम और छोड़ देंगे यहाँ पे। तो अभी हमारे इस किनारे चार फंदे हो गए और धागा यहीं से घुमा के वापस आएंगे। ये देखिए, मैंने ये चार फंदे छोड़े हैं, एक दो तीन चार। अब बाकी फंदे हम फिर से बीनेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, हमने उल्टा उल्टा बीन लिए और दो फंदे हमने इधर छोड़ दिए और धागा यहीं से घुमा के लेंगे। अभी मेरे दोनों तरफ दो चार चार फंदे छूट गए हैं, दो फंदे इस तरफ दो इस तरफ। इसमें इस डिजाइन में हम दोनों तरफ से फंदे छोड़ते हैं, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। और ये देखिए, हम पूरी लाइन बाकी उल्टा उल्टा ये देखिए बीनेंगे। ये देखिए, अब दो फंदे अब हम फिर से छोड़ देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे छह फंदे छूट गए और ये सीधी सिलाई पूरी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, अभी हम दो फंदे इस तरफ छोड़ देंगे। तो अभी हमारे छह फंदे इस तरफ छूट गए और छह फंदे इस तरफ छूट गए और धागा यहीं से घुमा के फिर से अब हम सीधी साइड में आ गए, जो हमारे चार फंदे हैं। इन चार फंदों को अब हम बीच में चार बचते हैं। देखिए, एक दो तीन, इन चार फंदों को हमने, ये देखिए दोनों तरफ में चार फंदे बचे। अब हम दो फंदे जिस साइड पहले, इस साइड से ही मैंने फंदे छोड़ना शुरू किया था। अब जहां से पहले फंदे छोड़ेंगे वहीं से हम पहला फंदा उठाएंगे भी। तो इस तरह से अब हम दो फंदे इस साइड से उठा लेंगे, इसी साइड से हमने स्टार्ट किया था छोड़ना। तो अभी हम दो फंदे ये जो छोड़े थे उसी से दो फंदे बीन लिए और ये एक फंदा और उतारेंगे और धागा एस के बीच से ऐसे निकाल देंगे और इसको सीधी साइड में बीनेंगे नहीं, इसी में पिरो देंगे। और बाकी हमने जो छह फंदे बीने थे वही बीनेंगे, एक दो तीन चार पांच। और ये देखिए, हमने छह फंदे बीन लिए। अब दो फंदे हम ये बिना बुने इस साइड के लेंगे। अभी हमने इस साइड से फंदे उठाए थे, अब इस साइड से उठेंगे। तो दो फंदे हमने बीन लिए, तो सात और आठ। तो अभी हमारे जिस तरह से हमने दो दो फंदे दोनों तरफ छोड़ना शुरू किया था, अब हम दो दो फंदे दोनों तरफ से उठाएंगे, फिर से ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के ले लेंगे और फिर से हम ये सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधी साइड में आ गए और फिर इसको हम बीनेंगे नहीं, सिम पिरो देंगे और बाकी जो हमने फंदे बीने थे उन्हीं को बीनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फंदे। आठ फंदे भी लिए, अब हम दो फंदे ये फिर से बिना बिने लेंगे, एक जो हमने उसमें पिरोया था उसको हो गया और एक एक्स्ट्रा। तो ये देखिए यार, तो ये हमारे दस फंदे हो गए और ये फंदे को फिर से उसी तरह इसको भी बीच से निकालना है। इस तरह से हम बीच से निकालेंगे, फिर से इसी में इसी पिरा देंगे और पूरे फंदे हम ये देखिए उल्टे उल्टे बीन लेंगे। जैसे हमने दो दो फंदे दोनों तरफ से छोड़े थे उसी तरह से अब हम दो दो फंदे दोनों तरफ से उठाते हैं। ये देखिए,
अभी मैंने फंदे इस साइड से उठाए, अब दो फंदे हम फिर से इस साइड के, अब ये दो फंदे बिनेंगे। ये देखिए अभी हमारे दोनों तरफ दो दो फंदे छूटे हुए हैं। ये फंदा इसी में पिरोएंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और फिर से हम ये इस साइड में आ गए, फिर इसको इसी में पिरो देंगे और बाकी फंदे अब हम बीन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से अब हमने सारे फंदे बीन लिए हैं दोनों तरफ। अभी हमारे दो दो फंदे बाकी हुए हैं और सीधी सिलाई हमारी जैसी है वैसे ही बनाना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए पूरी हमने सीधी साइड बना ली। अब ये दो फंदे अब इस साइड से हम बिना बुने ले लेंगे। तो अभी हमारे इस साइड के पूरे फंदे बीन गए हैं और दो फंदे हमारे इधर के छूट गए हैं और धागा यहीं से घुमा के अब हम फिर से ये उल्टी साइड में आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतार के और इसमें पिरो देंगे और इसी में ऐसे कर देंगे अंदर की तरफ। आप कोई सा भी डोरमेट बनाइए, ये ध्यान से रखिए। अब मैं यहाँ पे ये रेड कलर लगाऊंगी, इसी में किया। अब हम ये देखिए इस फंदे को इसी में बीन देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बीन लिया और ये देखिए आप चाहो तो गांठ लगा लो या तो फिर आप इसको साथ में ऐसे फंसा दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पूरे हम, अब हम जितने फंदे डाले हैं उसके हम आधे फंदे लेंगे। तो ये मैंने 16 फंदे का बनाया है तो 16 के फंदे आधे 8 फंदे होते हैं। अभी हमारे ये दो फंदे जो बिना बिने उनको हम छोड़ देंगे और हम 8 फंदे बिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए हमने 8 बिन लिए और 8 फंदे हमारे ये बिना बिने रह गए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे हमारे इस साइड बिना बिने और यहीं से मैं ये धागा बीच से निकाल के और ये फिर से हम इस तरफ आ गए सीधी साइड में और ये पूरे हम फंदे अब ऐसे ही बना लेंगे रेड वाले। ये देखिए सीधी साइड हम पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बिन लिए और ये देखिए अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। अब हम ये फंदा, पहला फंदा हम उतार लेंगे हर बार, इसको धागा ऐसे घुमा के लेंगे और अब हम इस किनारे एक फंदे का दो फंदा करेंगे। ये देखिए इस धागे को ऐसे घूम लेंगे, एक बार इधर से बिन लिया और एक बार सलाई से इधर से बिन लिया। आप जैसे चाहो ऐसे बढ़ा सकते हो। एक फंदे का हमने दो फंदा कर दिया और एक फंदा इधर से ले लेंगे। तो अब हमारे 4 फंदे हो गए, जो हमने एक फंदा उतारा था एक फंदे पे दो फंदे बढ़ाए 4 हो गए और यहीं से धागा करके और ये हम सीधी साइड आ जाएंगे और ये फंदे हम पूरे बीन लेंगे उल्टे उल्टे। ये देखिए तो अभी हमारे ये 4 फंदे हो गए हैं और फिर से हम ये उतारेंगे और धागे से घुमा के लेंगे और फिर हम एक फंदे का दो फंदा फिर से करेंगे। ये देखिए 1, 2 ये हमने एक फंदे का दो फंदा कर दिया और आप इस धागे को चाहो तो इसे साथ में हम बीन लेंगे और नहीं तो आप काट के जोड़ सकते हैं। ये देखिए अब ये हमारे जो फंदे हमारे बिने हुए थे उनको बीन लिया और एक फंदा यहाँ से बिना बुना ले लिया। तो अभी हमारे 4 थे और दो फंदे हो गए, एक हमने बढ़ाया और एक यहाँ से लिया, तो अभी हमारे पास 6 फंदे हो गए। और ये देखिए हम 6 फंदों को अब ये हम पूरी उल्टी साइड में ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखिए हमारे 6 फंदे हो गए। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, फिर से ये फंदा उतारा और धागा ऐसे घुमा के लिया और ये हम एक फंदे का दो फंदा फिर से करेंगे। ये देखिए अब हम हर सलाई में फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया। ये देखिए ये हमने एक फंदा हर सलाई में हमें बढ़ाना है और इसको हम इस तरह से साथ में बीन देंगे। और ये देखिए हमारे ये बिने हुए फंदे, अब एक फंदा हम फिर से बिना बुना ले लेंगे। तो ये हर सलाई में हम एक एक फंदा लेंगे ये पीछे से और इसके बीच से धागा निकाल के फिर वापस आएंगे और अब हमें इधर ही फिर से सीधी सलाई जैसी है वैसे ही बनानी है। ये देखिए इस साइड से ये हमने बिन लिया, फिर से हम उल्टी साइड आए, ये फंदा उतारा धागा ऐसे घुमा के लिया, फिर से एक फंदे का दो फंदा। ये देखिए एक बार इधर से घुमा के लिया, उसी फंदे को एक बार ऐसे घुमा के लिया, दो फंदे हमने बीन लिए। तो ये देखिए हमारे और ये पूरे उल्टा उल्टा हम फिर से बीन लेंगे।
और बाकी फंदे जो हमारे बिने हुए वो सारे बिन लेंगे और एक फंदा हम फिर से बिना बुना लेंगे। ये देखिए अभी हमारे दो फंदे बाकी हैं। अब हम फिर से ये सीधी साइड आ गए, सीधी साइड हम पूरा ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ तक मैं बीन लेती हूँ। अब ये देखिए मैं सीधी सिलाई पूरी जैसी है वैसे ही बना ली। फिर से हम उल्टी साइड आए, ये फंदा उतारे और धागे से घुमा के लिया। फिर हम एक फंदे का दो फंदा, ये देखिए एक और दो, ये देखिए हमने एक फंदे को दो बार बीन लिया और ये पूरी लाइन हम फिर से उल्टी उल्टी बनाएंगे। और ये देखिए सारे फंदे हमने बीन लिए और एक फंदा हम फिर से बिना बुना ले लेंगे। अभी हमारे पास एक फंदा बचा है और धागा यहीं से घुमा के फिर वापस आएंगे। ये देखिए और अब हम सीधी सिलाई पूरी जैसी है वैसे ही बना लेंगे। पूरे ये हमें लास्ट तक उल्टा उल्टा ये रेड कलर से ही बिनना है। ये देखिए हमने सीधी साइड पूरी बना ली। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बिन ली। फिर से हम उल्टी साइड आ गए और धागा से घुमा के लिया। फिर एक फंदे का दो फंदा फिर से बढ़ाएंगे। अब ये देखिए एक दो, ये हमने एक फंदे का दो फंदा कर दिया। अभी हमारे पास हो गए फंदे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये फंदा हमने बिन लिया चौदह। ये हमने चौदह फंदे बिन लिए और धागा यहाँ से घुमा के फिर से सीधी साइड आ गए। ये देखिए तो अभी हमारे पास आठ फंदे थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे थे और हमारे पास छह फंदे बढ़ गए। अब ये धागा इसी तरह से इसमें पिरो देंगे। ये देखिए और इसी को इसमें वापस ले लेंगे और रेड वाले पूरे फंदे हम रेड कलर से बीन लेंगे। पूरा यहाँ लास्ट तक बीन लेंगे। सीधी सिलाई यहाँ हमारी पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बिननी है, इसमें हमें कुछ करना नहीं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बीन ली और एक करके हमने सारे फंदे ले लिए। यहाँ आठ फंदे थे, हर सिलाई में एक एक फंदे ले लिए और ये मैंने पूरा बीन लिया। अब हम फिर से, अब ये देखिए हमारी हाफ कली बन रही है। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये फंदा उतारेंगे और ऐसे घुमा के लेंगे और अब हम जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे हर सिलाई में वैसे अब हम एक फंदे का दो फंदा करेंगे। ये देखिए एक फंदे, देखिए हमने दो फंदे का एक फंदा बनाना है। ये देखिए हमने दो फंदे को एक साथ बिन लिया इस तरह से और बिन लिया और हम ये एक और पूरी लाइन यहाँ लास्ट तक बिनेंगे। ये देखिए अब ये देखिए हमने पूरा बिन लेंगे इस तरह से और एक फंदा हम फिर से यहाँ छोड़ देंगे और धागा यहाँ से घुमा के फिर वापस सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए एक फंदा हमने छोड़ दिया और वहाँ हमने जिस तरह से हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाया था और एक फंदा लिया था लेते हुए यहाँ तक आए थे, अब हम सेम उसी तरह से बिनेंगे। एक फंदा हम यहाँ घटाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पे छोड़ेंगे और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे जैसी है हमें। ये देखिए पूरी उल्टी उल्टी हमें सीधी सिलाई बिननी है। और ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बिन ली। अब धागा फिर से आएंगे यहाँ पे और धागा से घुमा के लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे चैन बनाते हैं। ये हमारी एक चैन सी बनती जा रही है और जो दिखने में खूबसूरत है। और ये देखिए हम एक फंदे का फिर हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए दो फंदे का एक बना लिया इस तरह से और ये पूरी लाइन हम फिर से उल्टी उल्टी बनाएंगे। और ये हम पूरा ऐसे बीन लेंगे और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। उस बार हमने एक छोड़ा था, एक फंदा इससे छोड़ दिया। अभी हमारे दो फंदे छूट गए और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है, उल्टी उल्टी बिननी है। ये पूरी लाइन हम
इस तरह से सीधी पूरा हमको ऐसे ही बनाना है। ये देखिए हमने सीधी सिलाई बन डाली। अब ये देखिए हमारी कली है इधर को घूम रही है जो बहुत खूबसूरत है। ये फंदा उतारा, धागा ऐसे घुमा के लिया, फिर हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे जैसे हम फिर से किया था। ये देखिए दो फंदे का एक फंदा किया और ये पूरी उल्टी उल्टी हो गई। अब ये धागा ऐसे घुमा करेंगे, और ये एक फंदे का फिर हमने एक फंदा छोड़ दिया। और ये देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हम पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई फिर से बिन ली। अब फिर से ये ऐसे, अब ये फिर दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए दो फंदे का एक, और ये बाकी फंदे हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे। और एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये देखिए फिर से हमने एक फंदा छोड़ा। अभी हमारे एक दो तीन चार फंदे छूट गए हैं। अब पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे। धागा फिर से उतारा और ऐसे घुमाया, और फिर से दो फंदे हमने एक बार बुन लिए फिर, और एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया, और धागा यहीं से घुमा के वापस। ये देखिए इस तरह से, और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है। ये देखिए फिर से हम ये फंदा उतारे और धागा ऐसे घुमा के लिए। अब फिर से हम दो फंदे का एक फंदा, ये देखिए, और हम यहीं से वापस जाएंगे। अभी हमने पूरे फंदे एक एक करके छोड़ दिए हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अभी हमने हर सिलाई में एक एक फंदा करके पूरा घटा दिया, और जो हमारे आठ फंदे थे अब आठ ही फंदे यहाँ पे हो गए हैं। तो अभी हमारी ये एक कली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो अभी हम ये उतारेंगे और ऐसे पूरा रेड से हम ये देखिए लास्ट तक बीनेंगे। अभी हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो अभी हम ये पूरी लाइन रेड से बीन लेंगे, और ये हमारी एक कली बनके तैयार होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने फंदे उतारे, और ये देखिए, और सीधी सिलाई अब हम पूरी जैसी है वैसे ही बनानी है। तो अभी मैं पूरी लाइन ये रेड से बीनूंगी। ये पहला फंदा ये देखिए उतार लेंगे, और इसको टाइट करके हम अगला फंदा बीन लेंगे। ऐसे करने से हमारा ये बीच का सर्कल छोटा बनता है और सफाई से आता है। ये देखिए अब पूरी लाइन हम यहाँ तक बीन लेंगे, ये पूरी सीधी सिलाई पूरी ऐसे। अब ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बीन ली। अब यहाँ से अब हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो सेम उसी तरह से करेंगे। ये पहला फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के इसी में पिरो देंगे, और अब हम ये फंदे को ये येलो कलर से बीन लेंगे। ये देखिए अब पूरी लाइन हम लास्ट तक इसको थोड़ा टाइट रखेंगे, बीन लेंगे जैसे हमने अभी। अब यहां से हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो रही है। सेम उसी तरह से अब हम रिपीट करेंगे। और ये हमने यहाँ तक पूरे फंदे लास्ट तक बीन दिए। ये अब हम सीधी सिलाई पूरी ये फंदा फिर से उतारेंगे और इसको टाइट रखेंगे, और अगला फंदा हम बीन लेंगे, और पूरी लाइन हम इसी तरह से बनाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने पूरी लाइन बना ली। अब दो फंदे हम इस साइड में छोड़ देंगे, दो फंदे हम यहाँ से छोड़ देंगे। धागा फिर से घुमा के हम ये उल्टी साइड में आ गए, और अभी हमने दो फंदे इधर छोड़े हैं, और इधर भी हम ये देखिए ये बाकी फंदे हम बीन लेंगे, और दो फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था।
अब दोनों तरफ से अब हम दो दो फंदे छोड़ना शुरू करेंगे, एक बार उल्टी साइड से एक बार सीधी साइड से, और दोनों साइड से हम दो दो फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए अब दो फंदे हम छोड़ देंगे, अब ये घुमा के हम फिर से सीधी साइड में आ गए, और सेम उसी तरह से अब हम कड़ी बनाएंगे, दो दो फंदे दोनों तरफ छोड़ेंगे, दो फंदे इस तरफ दो फंदे इस तरफ, जब बीच में हमारे चार फंदे रह जाएंगे तब हम फिर से दोनों तरफ से जिस इस तरफ से हमने फंदा छोड़ना शुरू किया था तो हम इसी तरफ से फंदा उठाना भी शुरू करेंगे। तो फिर हम इसी तरफ से फंदे उठाएंगे और पूरे फंदे उठा लेंगे। तो जब मैं जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर लगाया, अब मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी सेम उसी तरह से, अब ये हमारी दूसरी कली जब कंप्लीट होगी तो मैं वहां पे ब्लैक कलर लगाऊंगी, और सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये 16 फंदे का बनाया तो उसके आधे पे मैंने ये कली बनाई है, तो मैं 8 फंदे की बना रही हूँ, आप अगर बड़ा बना रहे हैं तो उसका हाफ ही लेंगे, और उसके फिर इसी तरह से एक एक फंदा यहाँ पे हम बढ़ाते जाएंगे, और ये एक एक फंदा लेते हुए यहाँ तक बिनेंगे, फिर एक एक फंदा जब पूरा बिन लेंगे तो एक एक फंदा हम घटाएंगे, और फिर घटाते हुए फिर पूरे जब 8 फंदे रह जाएंगे तब यहाँ से हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये इतना डोरमेट बना लिया है, ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत डोरमेट बन गया है। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। नमस्कार।